लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने हांसी के एसपी वीरेंद्र बिज नारनौंद क्षेत्र में पहुंचे, स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। हांसी के एसपी वीरेंद्र बिज नारनौंद क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे और संवेदनशील व अति संवेदनशील गाँव का दौरा किया। एसपी ने बताया कि नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में 60 गाँव आते हैं और कुल 98 जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाया जाएगा, जिन पर 221 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से चुनाव को प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजथल व पीपला पुल पर उनके स्थायी नाके लगे हुए हैं, जबकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नारनौंद के पुराने बस स्टैंड पर खेड़ी चोपटा, मिर्चपुर, मदनहेड़ी, डाटा इत्यादि नाके लगाए गए हैं। 6 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है, जो कि अलग अलग जगहों पर सुपरवाइज नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग करेगी। नाकों पर तैनात कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि अवैध शराब, अवैध हथियार और काला धन लाने वालों पर नजर रखी जाएगी, जो कि ब्लैक फिल्म लगाए गए वाहनों को जब्त करेंगे और रात के समय भी नियमित रूप से चेकिंग जारी रहेगी। आप सब जानते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है और हमारे यहाँ 12 तारीख को इलेक्शन होना है, तो उसके संबंध में जो हमारे पुलिस का कर्तव्य है कि जो हमारे नाके लगने हैं, हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स लगने हैं, उनके सिविल के ऑफिसर्स भी लग चुके हैं, तो हमने अपने पुलिस के कर्मचारी की ड्यूटी उसमें सब उनके साथ लगा दी है और उनको हम चेक करने के आए थे कि उन्होंने प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया, और उनको ब्रीफिंग करने भी आए थे ताकि प्रॉपरली चेकिंग हो और आम जनता को उसमें परेशानी ना हो। अभी बात हो रही थी कि एक ही जगह नाका ना लगाया जाए और अलग अलग जगह नाका लगा के चेकिंग की जाए, सरप्राइज चेकिंग की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें जो शरारती तत्व उनको पकड़ सकें। तो एक सिविल के ऑफिसर ने कहा था कि नाका लगाने के लिए उनको सामान दिया जाए, तो हमने इसमें डिसाइड किया कि उनको हमारे पास ट्रैफिक के कॉन्स हैं जो रिफ्लेक्टिव हैं और उनको कहीं पर भी लगा कर हम उसको नाका लगा सकते हैं, तो एक सरप्राइज चेकिंग करने के लिए वो अच्छा हमारे पास उपकरण है। जनता के लिए मेरा ये संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, किसी के प्रभाव में आकर वोटिंग ना करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वोटिंग करें।